जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक ऐसे आउटस्टैंडिंग वॉलीबॉल प्लेयर एंड माइंड ब्लोइंग एथलीट एंड वेरी टैलेंटेड डेडिकेटेड आइसोलेटेड माउंटेनर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम अमित नेगी है, जो हिमाचल के किन्नौर जिला के बटसरी गाँव से संबंधित हैं। तो अमित नेगी जो हैं एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं, और उनकी अचीवमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने स्टार्टिंग से एनसीसी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड ही गॉट अ रिस्पेक्टेबल रिवॉर्ड फ्रॉम एनसीसी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो अपने माउंटेनिंग का जो उनका मेन जो मोटो है, या जो मैं कहूँगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो अब यही सोच लिया है कि अब वो बीइंग ए माउंटेनर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और तो उन्होंने अपना जो पूरा ये कंप्लीट कोर्स माउंटेनिंग का जो है ये अपना उन्होंने पूरा किया है अपना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से उन्होंने इसको पूरा किया है। और उसके बाद इनको जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग के द्वारा इनको बेस्ट टेक्नीशियन अवार्ड भी मिला है, और ये एक बहुत ही आले दर्जे के मैं आई मीन टू से दैट बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही इनका स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का स्टेमिना है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। ये सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं, शाम को वर्कआउट करते हैं, प्ले फिर प्लेइंग के लिए टाइम निकालते हैं, खेल कूद में बहुत ही इनका अग्रेसिव एटीट्यूड है। और अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं, तो इन्होंने बहुत सारी समिट पर अपना झंडा लहराया है। तो पहली बात करूंगा मैं DK2, जो कि आपको पता ही होगा कि गढ़वाल में उत्तरकाशी में ये समिट है, जिसकी हाइट 5680 मीटर है, जो इन्होंने बड़ी सक्सेसफुली इसको इसके ऊपर उन्होंने अपना परचम लहराया है। सेकेंडली फिर उन्होंने दियो टिब्बा, जो कि आपको पता है हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसे इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो 6000 मीटर है, तो इसे भी इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक इसमें अपना परचम लहराया। सेकेंडली रिसेंटली इन्होंने आने इसी आई थिंक 2019 में इन्होंने अपना त्रिशूल जो एक पीक है तो वहाँ पर इन्होंने अपना परचम लहराया, जिसकी हाइट है मैक्सिमम 7120 मीटर। तो अब जो इनका मेन मोटो है, जो जो इनका एम है, जो एम्बिशन है, ये है माउंट एवरेस्ट। इट मीन ये सिर्फ कितना सा रह जाता है, अगर हम त्रिशूल की बात करें तो वहाँ से 1728 मीटर ही शेष रह जाता है, जिसे अमित नेगी बहुत ही अच्छी तरह से आई मीन टू से बहुत ही स्किलफुली ये उसको अचीव कर सकते हैं। इस इनका जो अभी एम है वो माउंट एवरेस्ट है, तो इसके लिए इन्हें काफ़ी हमारी सहायता की ज़रूरत है, इन्हें हमारी एड की ज़रूरत है। तो मैं अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी सरकार से और अपने हिमाचल सरकार से और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से और तथा अन्य जो भी संस्थाएँ हैं जो माउंटिंग से या नए युवा माउंटेनर्स को प्रोत्साहित करती हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस युवा नौजवान को, जो कि बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही टैलेंटेड है, इसे आप इसे प्रोत्साहित कीजिए और इसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का आभारी रहूँगा यदि आप किसी तरह से अमित नेगी की किसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हेलो, मेरा नाम लविश है और मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज मैं अमित नेगी के बारे में कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। अमित नेगी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे हैं। हमने वॉलीबॉल 2009 से साथ में खेलना स्टार्ट किया था और हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ नेशनल साथ में खेले हैं। उसके बाद उन्होंने 2011 से पहले शौक में माउंट क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद बाय प्रोफेशन उन्होंने 2014 से स्टार्ट किया था। फर्स्ट उन्होंने दियो तिब्बा का माउंट क्लाइंब किया, उसके बाद काफ़ी हार्ड माउंटेंस उन्होंने अच्छे अच्छे
माउंट क्लाइमर्स के साथ में क्लाइंबिंग की। रिसेंटली उन्होंने 2019 में त्रिशूल और मे बी गंगोत्री ये दो ट्रैक भी सक्सेसफुली क्लाइम किए थे। अब उनका नेक्स्ट टारगेट एवरेस्ट है। उनको इसके लिए गुड विशेस, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो उनको सपोर्ट करें। और अमित नेगी हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है, मैं प्रयागराज यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने डिफरेंट माउंटेनरिंग कोर्सेज जैसे कि बेसिक, एडवांस और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज डिफरेंट माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट से किए हैं। आज मैं आप लोगों से मिस्टर अमित कुमार नेगी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं इनसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के दौरान मिला था। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बटसेरी विलेज से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही एक्टिव माउंटेनियर भी हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इन ये नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं, साथ ही हिमालयन मैराथन जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर 42 किलोमीटर की होती है, न सिर्फ उसमें इन्होंने 3 बार जीत हासिल की है बल्कि ये गोल्ड उसमें गोल्ड मेडल भी इनको प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक्टिव माउंटेनियर हैं, तो इन्होंने माउंटेनियरिंग को अब बाय प्रोफेशन चुन लिया है, जिसमें इन्होंने इंडियन हिमालयाज में कई सारी पीक्स सबमिट की हैं, जिसमें कुछ प्रमुख पीक्स का नाम देवतिब्बा, गंगोत्री, डीकेडी, ये सारी पीक्स इन्होंने सबमिट की हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी हिमाचल की लोकल पीक्स भी सबमिट की हैं। इनका चयन 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत IMF एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन के लिए हो गया था, जिसके तहत इन्होंने माउंट त्रिशूल जो कि 7,000 मीटर से ऊपर की पीक है इन्होंने सबमिट की है। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने डायरेक्ट कैंप 2 से सबमिट एक ही बार में कर लिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इन्होंने फेसबुक पे रॉक क्लाइंबिंग शोशोला पीक के नाम से अपना एक पेज बनाया हुआ है, जिसमें ये अपनी डिफरेंट माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ को शेयर करते रहते हैं। तो मैं हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे एक्टिव और सफल माउंटेनियर को और प्रोत्साहन मिले और उनका सहयोग किया जाए, जिससे वो निरंतर इस फील्ड में आगे बढ़ते रहें, साथ ही साथ भारत का नाम भी रोशन करते रहें। तो उनको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए मैं उनके सभी जानने वालों से, साथ में स्टेट गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी हो सके इनकी मदद की जाए, ताकि ये इस फील्ड में, माउंटेनियरिंग के फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा कर सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज़ दीप दास फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इम्फाल, मणिपुर। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे हूँ मेरा दोस्त जो कि मिस्टर अमित नेगी हिमाचल प्रदेश से। सिंस आई नो हिम फ्रॉम 2011, हम लोग ने काफ़ी माउंटेनियरिंग भी साथ में की हुई है और बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, इज़ ए नाइस वॉलीबॉल प्लेयर। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दी हिमाचल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज बंदे को हेल्प कीजिए। एंड दैट्स ऑल, एवरीबडी नीड्स हिज, आपका हेल्प चाहिए उसको, सो प्लीज़ हेल्प हिम सो बंदा आगे बढ़ पाए एंड उसका जो टैलेंट है हम सब में शेयर कर सके उसका। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक मिस्टर नेगी। नमस्कार, मैं विशाल, आज मैं अमित नेगी जो कि किन्नौर से बिलोंग करते हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, जो कि वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और माउंटेनर भी हैं, और गवर्नमेंट को उनके बारे में सोचना चाहिए ताकि आगे भी अपने टैलेंट को लोगों को दिखा सके।
नमस्कार, मेरा नाम धीरज है और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से बिलोंग करता हूँ और साथ ही साथ माउंटेनियरिंग फील्ड के ट्रैकिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ और देहरादून में कार्यरत हूँ आउटडोर मॉन्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पिछले 5 साल से। आज मैं बात करना चाहूँगा अपने मित्र अमित कुमार नेगी से, नेगी के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। साल 2018 में मेरी मुलाकात उनसे नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में हुई और उस समय हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करने के लिए वहाँ पर आए थे। बाद में मुझे पता चला कि हमारे जो मित्र हैं ये नेशनल प्लेयर हैं वॉलीबॉल से। बहुत खुशी हुई सुन के वो टाइम कि हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो अपना अनुभव अलग अलग फील्ड में दे चुके हैं और वो एक बहुत अच्छे माउंटेनियर भी हैं और मैंने काफ़ी सारा अनुभव लिया है भाई अमित कुमार नेगी से सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के दौरान। लास्ट ईयर अमित कुमार नेगी ने त्रिशूल एक्सपीडिशन सबमिट किया और हिमाचल सरकार, हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया। अब उनका सिलेक्शन हुआ है प्री एवरेस्ट क्लाइंबिंग में नेपाल और ये प्रोग्राम इसी साल होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया और अब इस प्री एवरेस्ट प्रोग्राम को 2021 में होना है। मैं अपने मित्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप जाएं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल सरकार से कि आप भाई अमित कुमार नेगी को सपोर्ट करें। वो एक होनहार माउंटेनियर के साथ साथ एक अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर भी हैं। प्लीज़ आप उनको हेल्प कीजिए उनके एवरेस्ट के इस प्रोग्राम के लिए और उनको आप शुभकामनाएं दीजिए ताकि वो आगे जाके हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करें और आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। और साथ ही साथ भाई अमित कुमार नेगी माउंटेनियरिंग के इस फील्ड के इंस्ट्रक्टर भी हैं जिन्होंने मनाली अरुणाचल प्रदेश में लोगों को अपना अनुभव दिया है और आने वाले टाइम पे वो अपने प्रदेश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें हेल्प कीजिए और भाई अमित कुमार नेगी को उनके एवरेस्ट क्लाइम जो प्रोग्राम है वहाँ तक पहुँचाइए।